जो अपनी जान की बाजी लगाकर विजय दिलाते हैं वही तो इतिहास के पन्नों में वीर कहलाते हैं। करीब 3 महीने तक चले युद्ध के बाद जीत का ऐलान हुआ और वो तारीख थी 26 जुलाई 1999 जब ऑपरेशन विजय कामयाब हुआ। मगर ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। नापाक पाकिस्तान की हरकतों को कौन नहीं जानता, वाकिफ है सब। जब पाकिस्तान अपने सैनिकों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के बाहर भेजने लगा था, मकसद था हिंदुस्तान की सरहदों पर कब्जा करना और कश्मीर लद्दाख के बीच कड़ी को तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय जवानों को हटाना। इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन भद्र रखा गया। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के जिन जगहों पर कब्जा किया था, भारतीय सेना ने उस जगह पर दोबारा तिरंगा लहराया। मगर ये इतना आसान नहीं था। पर हिंदुस्तान की फौज को यूं ही दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ रगों में देशभक्ति का जज्बा बहता है। रोजाना 5000 तोपखानों से गोले बरसते थे, मोर्टार बम, रॉकेट, 300 बंदूकें गूंजती थी। मकसद था इसका टाइगर हिल को वापस लेना। पाकिस्तान की कोशिश कारगिल हिल पर कब्जा करके कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की थी और भारत को पाकिस्तान की हरकत और उसकी खटिया सोच का अंदाजा बाखूबी हो चुका था। पाकिस्तान शायद ये भूल गया था कि जिससे वो टकरा रहा है वो जवान क्यों ही नहीं कहलाते कि दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और फिर इसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस लड़ाई में 500 से ज्यादा जवान अपना बलिदान दे गए। पाकिस्तान की नापाक मंसूबों को उसकी औकात दिखाने के लिए भारतीय वायु सेना के जाबाजों ने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। जमीनी हमले में सेकेंडरी रोल के साथ हवाई फायर के लिए MiG-21 का निर्माण किया गया था। वहीं जमीन पर टारगेट हमले के लिए MiG-23 और 27 को ऑप्टिमाइज किया गया था। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले हुए। इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में IAF के MiG-21 और Miraz-2000 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी तादाद में बमबारी हुई और आखिर में जीत हमारे हिंदुस्तान की हुई जो तय थी। मगर सच तो ये है कि शहादत के कफन से लिपटे हमारे बहादुर जवान हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में वीरता की वो कहानी लिख गए जो कभी ना मिटेगी और ना कभी भूली जाएगी। तभी तो इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि मेरा भारत क्यों महान है और क्यों भारत माता की जय की जीत का शंखनाद है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो जिनका खून देश के काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।